और इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आरजेडी नेता का अपहरण हो गया है। छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण हुआ है। किडनैपिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सुनील राय का अपहरण किस तरीके से किया गया। कुछ लोग आए, सुनील राय को किडनैप किया और उसके बाद वहां से ले गए। तब से लगातार पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें सुनील राय को किडनैप करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। और सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है कि किस तरीके से सुनील राय का अपहरण हुआ है। तस्वीरें दिखाई दे रही है, सुनील राय को कुछ लोग किडनैप करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां इनको लेकर गए हैं, क्या कोई निजी दुश्मनी है, इन सारी चीजों की पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बिहार में आरजेडी के नेता सुनील राय का अपहरण हो गया है। बिहार में लगातार जंगल राज की बात की जाती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब बिहार में नेता तक सुरक्षित नहीं है। आरजेडी के नेता की किडनैपिंग का मामला बिहार से सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सुनील राय का अपहरण करते हुए। इसके अलावा एक गाड़ी का मूवमेंट उसमें दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनील राय को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, सुनील राय के बारे में क्या पुलिस को कोई जानकारी मिली है, इस पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा से बात करेंगे। नीतीश, क्या ये पूरा मामला है, क्यों सुनील राय को, क्या कोई निजी दुश्मनी थी, क्या पुलिस को कुछ रीजन सामने आ पाया, क्या उनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है अब तक? देखिए, अभी तक पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल सका है और अभी पुलिस कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन सीसीटीवी में जिस तरह से तस्वीरें आई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं उनको जबरदस्ती ले जा रहे हैं, हथियार के दम पर ले जा रहे हैं, और उनका मोबाइल जो है पुलिस को मिला है एक दूसरी जगह पर। अब ये देखना है कि जिस व्यक्ति ने सुबह फोन किया था और उनको अपने साथ आने की बात कही थी, उस व्यक्ति को अब पुलिस ढूंढ रही है। परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और अभी तक किसी तरह का कॉल भी नहीं आया है। तो आखिर क्या वजह है, अभी ये पुलिस समझ नहीं पा रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है और आरजेडी के ये जो नेता हैं, ये पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, आरजेडी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो इस बड़े नेता एक स्थानीय स्तर पर जो कहें एक जो प्रभाव रखने वाले नेता। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आप नजर बनाए रखे इस खबर पर कि सुनील राय के बारे में क्या पुलिस को कोई जानकारी मिलती है नहीं। वहीं संसद में राहुल गांधी के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है, तो बिहार विधानसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ। सवाल पूछे जाने से रोकने पर बीजेपी विधायक ने माइक तोड़ दिया। लेफ्ट और बीजेपी विधायक विधानसभा में आमने सामने आ गए और दोनों दलों के विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। माननीय सदस्य पासवान जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ये जो है प्रश्न है, आपको पूरक पूछने का था, आपने पूरक पूछा। ये सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, सरकार ने कहा है और सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि वो बढ़ावे। माननीय अध्यक्ष मंत्री, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। एक तो जितना भी पोषाहार में भी 50% आवंटन दिया जाता है और हम लोग को तो बड़ा बिहार के ये लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली में नहीं बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इनके दल के सांसद हैं, एक भी सांसद अगर कभी बिहार के हित में आवंटन बढ़ाने की बात करते हो तो बतावे। हम लोग को तो मात्र 4500 रुपया दिया जाता है, 1450 रुपया तो राज्य सरकार अपने तरफ से दे रही है, 15000 रुपया आप दीजिए वहां से, केंद्र सरकार से करवाइए। तो तस्वीरें आपने देखी बिहार विधानसभा की, जहां पर लेफ्ट और बीजेपी के विधायक आमने सामने हो गए। जब बीजेपी के विधायक को सवाल पूछने से रोका गया तो उन्होंने माइक तोड़ दिया। स्पीकर लगातार रोकते रहे, उनके सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन हंगामा लगातार विधानसभा में चल रहा है। बीजेपी और लेफ्ट के विधायक दरअसल दोनों वेल में आ गए, अपना प्रदर्शन करने लगे और प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के विधायक ने ये आरोप लगाते हुए कि उनको सवाल पूछने से रोका गया तो उन्होंने माइक तोड़ दिया। तो विधायक
बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में संसद में हंगामा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में हंगामा चल रहा है। विजय सिन्हा ने इस पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। पहले भी बार बार आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं, प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से। और नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या पूरा मामला था, क्या सवाल पूछना चाहते थे बीजेपी के विधायक और क्यों इतना हंगामा बढ़ गया कि माइक तक तोड़ने की नौबत आ गई? देखिए, बीजेपी के विधायक है लखेंद्र रोशन, ये आंगनवाड़ी जो सेविकाएं होती है उनके मानदेय से जुड़ा एक सवाल पूछ रहे थे, फिर वो एक पूरक सवाल पूछना चाहे लेकिन इसी बीच उनका माइक बंद कर दिया गया और उसके बाद भी वो सवाल पूछना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर माले विधायकों और बीजेपी विधायकों के बीच बहस होने लगी। बीजेपी विधायकों का कहना है कि माले विधायकों ने अपशब्द कहे, गालियां दी और इसी बात को लेकर जो बीजेपी के विधायक थे जो लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अपने माइक को काफी जोर से हिलाया और उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो गिर गया। इस बात को नीतीश आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी, लेकिन सबसे पहले हंगामे की तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त बिहार की विधानसभा में चल रहा है। यह गलत है, इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जी नीतीश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, तेजस्वी यादव को लेकर भी हंगामा हुआ है, क्या पूरा मामला था, क्या तेजस्वी की परिवार पर जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं क्या उसी को लेकर वो हंगामा था? नहीं, देखिए अभी जो हंगामा हुआ उसमें चूंकि स्पीकर ने कार्रवाई की बात कही और चूंकि माले के विधायक भी वेल में आ गए और बीजेपी के विधायक भी वेल में आ गए तो एक तरह से ये स्थिति बन गई कि मारपीट हो सकती है और इसलिए जो मार्शल हैं उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी माले और बीजेपी विधायकों के बीच में। यदि मार्शल नहीं आते तो जो स्थिति थी उसमें विधानसभा में आज बड़ी अजीब तस्वीर देखने को मिल सकती थी। उस पूरी संभावना थी इस बात की कि विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि माले विधायक भी वेल में आ गए और बीजेपी के विधायक भी वेल में आ गए थे और इस बीच जब स्पीकर ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे तो इसको लेकर काफी नाराज हो गए बीजेपी के विधायक और उसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल जो माइक का ऊपरी हिस्सा गिरा था उसको बीजेपी के विधायकों ने फिर उसे ठीक कर दिया, ऊपरी हिस्से को लगा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि माइक तोड़ा गया। बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन का कहना है कि माइक तोड़ा नहीं, उसका ऊपरी हिस्सा उसी दौरान खुलकर गिर गया जब वो कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। तो अब देखना यह है कि जब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, 2 बजे कार्रवाई जब शुरू होती है तो उस समय फिर से हंगामा। जी शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। तो सदन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर मार्शल्स की तैनाती करनी पड़ी ताकि दोनों दलों के विधायकों के बीच में मारपीट ना हो पाए। वही नवरात्रि को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।